शनिवार के दिन प्रखंड क्षेत्र के लालसरैया पंचायत स्थित गोविंद टोला वार्ड नंबर 2 थरेसरी चौक शंकरसाह के नवनिर्मित मंदिर में बाबा गोविंद जी, बाबा गणिनाथ जी महाराज, माता खेमसती की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर 1151 कुंवारी कन्याओं ने कलश यात्रा में भाग लिया। वहीं यजमान शंकरसाह ने बताया कि यह प्राण प्रतिष्ठा यज्ञ 4 दिवसीय है। कुंवारी कन्याओं द्वारा कोहड़ा नदी उत्तर वाहिनी राजघाट से जल लेकर यज्ञ स्थल पर जाया गया, जहां आचार्य रामनारायण पंडा पलोहिया वैशाली निवासी के द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ शुभारंभ कर दी जाएगी। यह जल यात्रा नगर भ्रमण करते हुए सुप्रसिद्ध राजघाट मंदिर के समीप उत्तर वाहिनी कोहड़ा नदी से जल भरा जाएगा। नगर भ्रमण करते हुए यज्ञ स्थल पर लाया जाएगा। आचार्य रामनारायण पंडा ने क्या कुछ कहा इस बारे में देखिए इस रिपोर्ट में संवाददाता मनीष कुमार के साथ। मझौलिया से मनीष कुमार इस समय लाल सरैया थलेसरी चौक श्री शंकरसाह जी के आवास पर गोविंद पूजा का आयोजन किया गया है, जिसमें जल यात्रा निकल रही है प्राण प्रतिष्ठा का, जिसमें बाबा गोविंद जी महाराज और बाबा गणिनाथ जी महाराज और माता सरस्वती माँ की प्राण प्रतिष्ठा जग होनी है, जिसमें 1151 कुंवारी कन्याओं द्वारा उत्तर वाहिनी नदी कोहड़ा राजघाट से जल भरकर लाएगी और जग स्थल पर आचार्य द्वारा यहां पर उस विधिवत पूजा शुभारंभ कर दी जाएगी। इस समय आचार्य, क्या नाम हुआ आपका? राम नारायण पांडे यहां उपस्थित हैं। इनसे समझेंगे कि यह जग होता है, इस जग से क्या लाभ होता है, समाज को क्या लाभ होता है और मानव जाति को इससे क्या लाभ होता है, क्या लाभ होता है पंडित जी जो जग करा रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा जग? ये जग जो प्राण प्रतिष्ठा है शंकर जी के यहाँ जो हो रहा है, ये कुल देवता का जग है, जो कुल श्रेष्ठ बाबा गणिनाथ प्राचीन देवस्थान धर्मपुर राज बलोहिया, वहाँ इनका जन्म स्थली है वैशाली जिला, वहाँ से हमको बुलाया गया। अब इस जग से सामाजिक समरसता, समाज के अंदर भाईचारा और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, क्योंकि कुल देवता हैं ये। ऐसे तो ये वैश्य कुल में ही आए, बाबा गणिनाथ गोविंद महाराज वैश्य कुल शिरोमणी है, वैश्य कुल में आए, लेकिन इनके पूजने वाले पूजक समाज में बारहों वर्ण के लोग हैं और पूजते हैं, इससे सामाजिक आस्था, सामाजिक निर्माण और क्या कहते हैं कि प्रेम सद्भावना बना रहता है। मेरा परिचय राम नारायण पंडा, मेरा नाम हुआ प्राचीन देवस्थान धर्मपुर राज बलोहिया। यहाँ पर जो इनके जो अपने कुल देवता कहिए चाहे वैश्यों का महान देवता है, ये पूरे समाज का देवता है, ये केवल एक व्यक्ति विशेष का देवता नहीं हो सकते हैं, जिनकी प्राण प्रतिष्ठा जो आज होने जा रही है, जो 1151 कुंवारी कन्याओं द्वारा जल यात्रा लाकर इस समय यजमान यहाँ पर है शंकर शाह जी। इसे समझे कि शंकर शाह जी बड़ी मान प्रतिष्ठा और सम्मान से आपकी प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं, इसमें आप क्या कहेंगे? कहेंगे कि इसमें जो है कराने और करने में संतुष्टि मिला है जी, शांति का प्रतीक महसूस हुआ, शांति का प्रतीक महसूस। कितने कुंवारी कन्या इसमें जा रही है? इसमें जा रही है 1100। यहाँ पर कहाँ पर? उत्तर वाहिनी नदी से। उत्तर वाहिनी नदी है राजघाट से। इनका कहना है कि कुंवारी कन्या जो जाएगी वहाँ से उत्तर वाहिनी नदी से, जो राजघाट स्थित है कोहड़ा नदी में, वहाँ से जल भर कर लाएगी जग स्थल पर और प्राण प्रतिष्ठा जग शुरू हो जाएगा। मैं R9 भारत संवाददाता मझौली।